चलिए आज मैं एक्सेल का और एक इंटरेस्टिंग फार्मूला के बारे में बताता हूँ, स्मॉल एंड लार्ज फार्मूला। अगर आपको सडनली कोई बोल दिया, आपका बहुत बड़ा सीट है, डेटा सीट है जिसमें से 1000, 2000, 10 लाख तक का सीट है, और उसमें बोल दिया लार्ज एंड स्मॉल नंबर निकालने के, तो आप कैसे करेंगे उसको, क्या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर नंबर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मेरे को कोई स्मॉल नंबर देते, इक्वल टू दबाऊँगा, स्मॉल का फार्मूला लगाऊंगा। अब उसके बाद क्या है, टेबल अरे, यहाँ पर अरे क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन अरे हो गया। उसके बाद क्या है, कॉमा और के, के का मतलब क्या हो गया यहाँ, कौन सा नंबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपका स्मॉल में कौन सा नंबर चाहिए, तो मेरे को दूसरा नंबर चाहिए, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर 148 आ गया, 148 से दूसरा नंबर। अब मैं जैसे पहला कौन सा स्मॉल नंबर है तो वहाँ पर देखना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 डाल दूंगा और इक्वल टू दबा दूंगा, 110 है, 110। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर 110 को डिलीट कर देता हूँ तो यह 148 आ जाएगा पहला नंबर, तो इस तरह है। तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर निकाल, इस लार्जेस्ट नंबर निकाल देते हैं, इक्वल टू दबाएंगे, LARG लार्ज नंबर। अब अरे क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अब कौन सा नंबर के मतलब कौन सा नंबर हमको फर्स्ट लगाना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा फर्स्ट डाल देंगे, 1 डाल देंगे, यहाँ इंटर करेंगे, 915 हो जाएगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पर दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा बड़ा नंबर चाहिए, तो 2 को दबाएंगे, इंटर, 900 हो जाएगा। तीसरा चाहिए तो यहाँ पर 3 दबाएंगे, तीसरा। तो इस तरह से आप स्मॉल एंड लार्ज नंबर को इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।